क्वेश्चन नंबर 6 है, गार्डन इज 48 मीटर लॉन्ग, यानी कि 40 मीटर क्या है लेंथ है एंड 32 मीटर वाइड, 32 ब्रेड्थ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग हमने फाइंड करनी है। कंसीडर किया कि ये हमारे पास एक गार्डन है, तो लेवलिंग अब गार्डन की कहाँ पे होगी, एरिया में। सो फर्स्ट आप क्या फाइंड करेंगे, एरिया, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। देन कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फाइंड करेंगे, जो एरिया आएगा उसको 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग क्या होती है, बाड़ लगाने को बोलते हैं, तो बाउंड्री भी होगी बाड़, तो उसके लिए क्या फाइंड करेंगे, पैरामीटर। सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करने के लिए पहले आप पैरामीटर फाइंड करेंगे, देन जो है वो आप कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करेंगे। जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व किया है, उसी सेम उसी जो है वो मेथड से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को खुद सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रेक्टेंगुलर हॉल। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ आपने फ्लोरिंग फाइंड करनी है रेक्टेंगुलर हॉल की। कंसीडर किया ये रेक्टेंगुलर हॉल है, तो फ्लोरिंग एरिया में होगी। सो फर्स्ट आप क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग फाइंड करनी है रेट, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का रेट है आपके पास 60, तो जो आपके पास एरिया आएगा उसको कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग आ जाएगी। यहाँ पे दी लेंथ एंड दी ब्रेथ, लेंथ है हमारे पास 15 मीटर और ब्रेथ है 10 मीटर। तो फर्स्ट आप एरिया फाइंड करिए, फिर आप जो है वो जो एरिया आएगा उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग आ जाएगी। ये भी इस तरह का क्वेश्चन भी आप पहले कर चुके हैं, ये आप सोल्व करेंगे तो आपसे हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप खुद सोल्व करें।